गुड मॉर्निंग आर के विज्ञान कॉलेज कालवाड़ में ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर भारत किसी भी देश की नीतियों में शामिल नहीं होगा, जबकि भारत की अपनी स्वयं की एक नीति होगी। उन्होंने ये कहा कि भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1946 में एक प्रेस सम्मेलन हुआ और उसमें ये कहा कि विदेश के क्षेत्रों में संबंध भारत ये स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और किसी भी रूप की खींचतान से दूर रहेगा। संसार के समस्त स्वाधीन देशों को अंतिम निर्णय का अधिकार प्रदान करने का प्रयास करेगा। कहने का अभिप्राय यही है, भारत किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होगा, भारत की अपनी एक नीति होगी। 1946 में पंडित नेहरू ने एक प्रेस सम्मेलन हुआ, प्रेस सम्मेलन 1946 में, और उसमें कहा कि भारत की अपनी एक विदेश नीति होगी, भारत किसी रूप में शामिल नहीं होगा, ना किसी के रूप में दखलंदाजी देगा, ना खुद के रूप में दखलंदाजी स्वीकार करेगा। और निश्चित तौर पर उन्होंने भारत की जो मूलभूत सिद्धांतों का समावेश संविधान के अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान के जो मूलभूत जो भारत की विदेश नीति के जो सिद्धांतों का समावेश किया है, उन्होंने कहा राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य यानी कि देश, भारत देश अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। पहला है राज्य शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। निश्चित तौर पर भारत देश संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करेगा और किसी देश में अगर युद्ध हो रहा है वहां पर अपनी शांति सेनाएं भेजेगा और वहां पर सुरक्षा की भावना को प्रसारित करेगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने यह बताया कि साम्राज्य एवं प्रजातीय विभेद का विरोध साम्राज्यवादी नीतियों व प्रजातियों का विरोध। नेहरू ने भारतीय जो विदेश नीति में एक तर्क को इस प्रकार से शामिल किया कि जो व्यक्ति साम्राज्यवाद नीति अपनाता है, कहने का अभिप्राय यह विस्तारवादी नीति कहने का अभिप्राय विस्तारवादी यानी महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक राज्य दूसरे राज्य एक देश दूसरे देश में अतिक्रमण करता है, उस पर आक्रमण करता है, उस नीति का विरोध करता है और प्रजातीय जो जातियों के आधार पर झगड़ा करता है उसका विरोध करता है। निश्चित तौर पर साम्राज्यवाद नीतियां अगर प्रजातियों का भारत की जो विदेश नीति में विरोध करने की भावना बताई गई है, उसी प्रकार शांतिपूर्ण से अस्तित्व एवं पंचशील की नीति कहने का अभिप्राय यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान और मध्यस्थता द्वारा कराने का प्रयास करेगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने यह कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनका समाधान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता
या बिचौलिया, बिचौलियों के माध्यम से। और इसी तौर पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, जापान और अमेरिका का, तो इन देशों के अगर किस प्रकार का विवाद होता है तो भारत देश के लिए की रहेगी कि वो मध्यस्थता के माध्यम से उसका सुलह करवाए, समाधान करवाए। तो निश्चित तौर पर भारत देश की जो नीति है शांतिपूर्ण की नीति है, यह विषय विद्यालय में बताया गया भारतीय संविधान में। इसी प्रकार उन्होंने बताया राष्ट्र के मध्य न्याय संघर्ष व समानता पूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास, राष्ट्रों के मध्य न्याय संघर्ष, राष्ट्रों के मध्य न्याय मिले जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, वहां पर सभी देशों को एक निश्चित समान रूप से न्याय मिले और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को समान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी देश गरीब है, ऐसा है, निर्बल है, तो एक देश दूसरे देश की सहायता करकर उसको आत्मनिर्भर बनाने और अन्य सहायता देकर उसको ऊपर उठाने की कोशिश करे। तो निश्चित तौर पर नेहरू जी ने 1946 में जो प्रेस सम्मेलन हुआ उसका मूल तत्व यही है, मूल तत्व भारतीय विदेश नीति के राज्य में शासन सुरक्षा को बढ़ावा देना, साम्राज्यवाद के नीति पर प्रजातंत्र का विरोध करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना और हर देश को न्याय बराबर रूप से न्याय मिले और हर देश को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत की अपनी विदेश नीति है और विदेश नीति में ये कह सकते हैं कि असलंघनता, असलंघनता का अभिप्राय किसी गुट में शामिल ना होना, किसी गुट में संलग्न ना होना। भारत ना तो किसी के मामले में दूसरे देशों के मामले में दखलंदाजी देता है, ना खुद के आंतरिक मामले में दखलंदाजी स्वीकार करता है। तो गुट निरपेक्षता कहे या असलंघनता कहे, तो निश्चित तौर पर भारत की जो नीति है विदेश नीति हमेशा मधुर व्यवहार करने की नीति रही है, अपने पड़ोसियों को ऊंचा उठाने की, हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध प्रेम से जीवन व्यतीत करने की उनकी महत्वाकांक्षा रही है। तो निश्चित तौर पर हम भारत की विदेश नीति की विशेषता को निम्न प्रकार से वर्णित करेंगे, जो इस प्रकार से भारत की विदेश नीति की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में आस्था। वर्तमान में संपूर्ण विश्व के समक्ष आतंकवाद और एक देश दूसरे देश को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका मानो या सोवियत संघ माने या पाकिस्तान माने या भारत माने या ग्रेट ब्रिटेन माने या फ्रांस माने, तो निश्चित तौर पर इस समय एक देश दूसरे देश को नीचे दिखाने की कोशिश में आयुधों को, आणविक शक्तियों का, परमाणु अस्त्र शस्त्रों का इरादा, जिस प्रकार से एक प्रकार के खतरनाक मिसाइलों का प्रयोग करके किसी मानव जाति को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत उसी नीतियों का विरोध करते हुए भारत जो आयु भंडार है, आतंकवादी जो गतिविधियां हैं और कई प्रकार की जो अस्त्र शस्त्रों की होड़ लगी हुई है, कहने का अभिप्राय भारत ने सीसीटीवी पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किया कि जो आयु पुराने जो अस्त्र शस्त्र है उनको नष्ट किया जाए और तब जाकर भारत एक शांतिपूर्ण से अस्तित्व को बढ़ावा देगा। इसी तौर पर भारत देश हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में आस्था रखता है। निश्चित तौर पर भारत की ये कदम बहुत ही आगे है और भारत कही है कि बात शांतिपूर्ण और भाईचारे की महत्व की भावना के साथ साथ उसमें शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। और निश्चित तौर पर भारत देश की जो दूसरी विशेषता यह है कि
देशों के दूसरे देश से तरह नहीं है। भारत हमेशा अपनी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं से मात्र रक्षा करना चाहता है, दूसरे देशों की तरह विस्तारवाद नीति नहीं अपनाता है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो 1956 का ब्रिटेन और फ्रांस में जो राष्ट्रीयकरण के माध्यम से जो आक्रमण किया जा रहा था, उसका भी भारत देश ने साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से विरोध, भारत ने विरोध किया। इंडोनेशिया, लीबिया और सुपर प्रकार जो कई युवा संकट हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, उसका भी उन्होंने भारत ने पुरजोर कोशिश की समाप्त करने के लिए। तो निश्चित तौर पर भारत साम्राज्यवादी जो विस्तारवादी नीति का विरोध करता है, उसी प्रकार प्रजाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, उसका विभाग देश हमेशा विरोध करता है। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो विशेषता है शांति का समर्थन, शांति के माध्यम से व्यक्ति भारत देश व्यक्तियों के जीवन को खतरा नहीं पहुंचाना चाहता है और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। तो निश्चित तौर पर जो पंचशील के सिद्धांत चीन और भारत के मध्य पांच सिद्धांत ग्रहण किए गए, उसे पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो हम पंचशील के सिद्धांतों को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो वो देखें पंचशील से अभिप्राय आचरण के पांच सिद्धांतों से है। पंचशील सिद्धांत का अर्थ होता है आचरण के पांच सिद्धांत। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आचरण के पांच सिद्धांत माध्यम से
हर देश अपनी नीतियों को क्रियान्वित करे, किसी दूसरे के मामले में दखल अंदाजी ना दे। इस चौथा परस्पर समानता लाभ के आधार पर कार्य करना, परस्पर समानता व लाभ के आधार पर कार्य करना। तो निश्चित तौर पर जो भी चौथा जो पश्चिम का सिद्धांत है परस्पर समान है, जाति धर्म नस्ल भाषा वर्ण के आधार पर सब समान है, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है, तो सब कोई इक्वल राइट के सिद्धांत के माध्यम से और सबको अपनी योग्यता के अनुसार लाभ मिले, ये पंचशील का चौथा सिद्धांत है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पंचशील में शांतिपूर्ण शास्त्र की नीति अपनाए, शांति पूर्ण से अस्तित्व की नीति अपनाए। तो निश्चित तौर पर पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन के माध्यम से दिया गया, दो देशों के मध्य समझौता हुआ, उसमें यह कहा कि शांतिपूर्ण शस्त्र की नीति अपनाई जाए, आपसी तनाव की नीति ना हो, ना झगड़ा हो, ना किसी प्रकार का विवाद हो, और किसी प्रकार का विवाद भी होता है तो शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान किया जाए। तो ये पंचशील के सिद्धांत है। तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 में तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के मध्य समझौते में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाओ लाई के मध्य 1954 में एक समझौता हुआ, 1954 में एक समझौता हुआ और वह तिब्बत के संबंध में हुआ, तिब्बत के संबंध में, तिब्बत के संबंध में और संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाई है चाओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड चाओ एंड लाई चाओ एंड लाई प्लस पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य हुआ। निश्चित तौर पर 1954 में एक समझौता हुआ और उसको पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और तिब्बत के संबंध में हुआ। उसके उसी के बाद में हम ये कह सकते हैं बार्डोन सम्मेलन 1955 में, अप्रैल 1955 में पंचशील के सिद्धांतों को विस्तृत रूप दे दिया। बार्डोन सम्मेलन को आ जाता है एक बार बार्डोन सम्मेलन, सम्मेलन हुआ 1955 में और 1955 में हुआ तो 55 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पंचशील के सिद्धांतों को विस्तृत रूप दे दिया गया। 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इन सिद्धांतों को विस्तृत कर दिया गया। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं पंचशील के जो सिद्धांत 1955 में बार्डोन सम्मेलन में उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू चौबाई के मध्य तिब्बत के संबंध में एक समझौता हुआ और ये बात संबंध यही थे कि एक देश दूसरे देश की एकता व अखंडता को बनाए रखेगा, रखेगा, आक्रमण नहीं करेगा, एक देश दूसरे देश का आक्रमण नहीं करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेगा, तीसरा एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं देगा। इस प्रकार से भारत की अपनी विदेश नीति है, ना तो एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी देता है, ना खुद के आंतरिक मामले में स्वीकार करता है। इसी प्रकार परस्पर समानता सब समान है, जिसमें मानव जाति समान है, जाति आधार पर धर्म के आधार पर सब बराबर है और सबको बराबर रूप से लाभ मिले अपनी योग्यता के अनुसार, इसी प्रकार शांति नीति को अपनाए और बार्डोन सम्मेलन 1955 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको एक ऐसा चोला बना दिया और एक ऐसा रूपरेखा बना दी गई जो निश्चित तौर पर पंचशील के सिद्धांत पर मोहर लगा दी गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बात की ये
भारतीय विदेश नीति की एक अलग ही विशेषता रही है, कभी कभार आ भी जाता है। प्रसिद्ध सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सम्मेलन कब हुआ और कब इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वीकार किया गया, चार या पांच संबंध आएगा तो प्यारे बच्चों आपको लिखना है और इसको याद करना है। चौथी भारतीय विदेश नीति की विशेषता है कि यह संलग्नता अथवा भूनिरपेक्षता की नीति। तो ऐसा लगता था और भूनिरपेक्षता की नीति की जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। उन्होंने ये कहा कि भारत ना तो किसी रूप में, चाहे वो देश का रूप हो चाहे सैनिक रूप हो, किसी भी रूप में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध में संघर्ष की स्थिति थी और जब संघर्ष चल रहा था तो उस समय जो नवोदित देश थे उनके समक्ष ये समस्या थी कि हम सोवियत संघ के अधीन जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन। तो निश्चित तौर पर भारत ने ये इस दो नीतियों का अनुसरण न करके इस नीति का त्याग करके उन्होंने ये नीति अपनाई कि भारत स्वयं और इन सैनिक रूपों से पृथक रखेगा और भारत की अपनी एक विदेश नीति होगी। भारत इन इन ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा ना किसी सोवियत संघ में, भारत की अपनी एक विदेश नीति होगी और भारत हमेशा ऐसा लगता या निरपेक्षता की नीति अपनाया। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लगता निरपेक्षता से अभिप्राय है, ना तो भारत देश किसी ग्रुप में शामिल होगा ना किसी के ग्रुप में दखलंदाज देगा और भारत की अपनी विदेश नीति होगी। तो निश्चित तौर पर इसमें जिस सात तत्व बताए गए, सात पॉइंट बताए गए, पहला है ग्रुपों से पृथक करना, कहने का अभिप्राय है कि भारत देश से ऐसी नीति नहीं की पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और कृष्णन मेनन ने भी यह कहा कि ऐसा लगनता विदेशी मामलों में समानता की नीति है, ऐसा लगनता विदेशी मामलों में समानता की नीति है। तो निश्चित तौर पर किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है सकारात्मक अवधारणा, अगर कोई देश अच्छा कार्य कर रहा है अगर उसके मध्य अगर विवाद हो रहा है तो वह देश जो दिया कि मध्यस्थता अपनाकर उसमें शांतिपूर्ण शास्त्र स्थापित कर सकता है, उसमें शांति स्थापित करने के लिए कारगर कार्य कर सकता है। निश्चित तौर पर तीसरा तत्व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और ग्रुपों से सकारात्मक कर लेने देना, कौन सा सैनिक ग्रुप हो चाहे आर्थिक ग्रुप हो चाहे कैसा ग्रुप हो, कौन सा देश अच्छा कार्य कर रहा है, कौन सी लायक है या अनलायक है, कौन सा देश सही राह पर चल रहा है, कौन सा देश साम्राज्यवादी की राह पर चल रहा है, तो उनकी गुणदोषों को देखकर अंतिम निर्णय भारत देश की विदेश नीति में ऐसा अभिनेता की नीति को छोड़ा गया। उसी प्रकार वृद्ध ग्रुपों के मध्य संतुलन बनाया जाना और वो देश के मध्य अगर युद्ध हो रहा है तो वो दोनों देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कारगर उपाय करेगा भारत देश। इसी प्रकार ये जो नीति है संलग्नता की नीति है प्लान की नीति नहीं है बल्कि ये जोड़ने की नीति है, मजबूती देने की नीति है। इसी प्रकार उसका जो अपना पॉइंट था भारत इस नीति के अंतर्गत विश्व की घटनाओं के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण को रखता है कि भारत किसी भी रूप में सामने होगा, भारत की अपनी एक नीति होगी और वो भी स्वतंत्र नीति होगी। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह तटस्थता एवं ग्रुपों के निर्माण की नीति नहीं है, यह तटस्थ नहीं है किसी के प्रति तटस्थ नहीं है कि ये भारत का उद्देश्य है तो हम भारत उसी देश के साथ कार्य करेगा, अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो भारत उसी के किसी का भी साथ नहीं देगा बल्कि वो भारत खुद अपनी नीति का अनुसरण करके अंतिम निर्णय भारत देश देगा। तो निश्चित तौर पर ये ऐसा करना है निरपेक्षता की नीति है। उसमें इसके बाद में आप यह कह सकते हैं कि मैत्री एवं सहस्तित्व की नीति पांच नीति है। मैत्री एवं सहस्तित्व की नीति, मैत्री एवं सहस्तित्व
शास्त्र की नीति तो निश्चित तौर पर मैत्री वास्तु की नीति भारत देश एक स्थायी देश है। निश्चित तौर पर ये किसी भी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है बल्कि दूसरे नीतियों का अनुसरण करके अच्छी नीतियों का अनुसरण करके संबंधित नागरिक करेगा। यदि भारत देश स्थायी नीति का अनुसरण करते हुए अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। इसी तौर पर ये भारत की जो राम राज्य कायम हो सके। निश्चित तौर पर क्षेत्र के समर्थन
करने वाली नीति, अगली विशेषता से राष्ट्र का समर्थन करने वाली नीति, संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करने वाली नीति। निश्चित तौर पर भारत की एक विदेश नीति ये भी रही है कि भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र की नीति का अनुसरण करता है और उसके जितने भी समझौते में जो भी बातें हुई है उन सभी शर्तों और समझौतों को मानता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की नीति का समर्थन में आप आगे देखेंगे उज्जवल प्रकार से होगी। तो निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करने वाली इंडिया अब तक भारत देश विश्व के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय कानून का अब तक भारत देश कभी भी उल्लंघन नहीं किया है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन हुआ उसमें यह कहा कि सुशक्ति के समक्ष आतंकवाद को समाप्त किया जाए और जितने भी कानून कायदे नियम वगैरह है वो भारत देश से स्वीकार करेगा। तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि भारत अब तक विदेशी अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बने उन कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। 2005 में संयुक्त राष्ट्र में जो 60वां अधिवेशन हुआ उसमें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और अस्थायी सदस्यता G4 देशों का भी मनमोहन सिंह जी ने समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो भी नीतियां हैं जो भी कानून कायदे हैं उन सभी कानून कायदों का समर्थन भारत देश करता है। उसके बाद में भारत की विदेश नीति की विशेषता और है वो देखते हैं। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि समानुकूल गतिशील विदेश नीति वक्त और समय के साथ साथ भारत देश अपनी नीति में बदलाव कर लेता है और वो बदलाव भी सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से करता है। वो भारत देश हमेशा जितने भी पिछड़े हुए देश है और आपदा या किसी प्रकार का संकट आता है तो भारत उनका पुरजोर आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से और सामाजिक स्तर पर उनका सहयोग करता है। और निश्चित तौर पर उनकी अगली विशेषता है एशियन देशों की एकता का समर्थन। भारत विश्व दुनिया के देशों में चाहे एशिया और अफ्रीका में संवाद हो चाहे दक्षिण दक्षिण संवाद हो चाहे दक्षिण उत्तर दक्षिण संवाद हो अब तक उत्तर दक्षिण संवाद हो चाहे दक्षिण दक्षिण संवाद देशों के बीच विकासशील किसी दुनिया के देश है उनका समर्थन करता है। तो निश्चित तौर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व शांति में भारत ने अमूल्य योगदान दिया है। तो उन्होंने भारत के उन्होंने यूएनओ का संस्थापक सदस्य के रूप में रहा। रामप्रसाद डॉक्टर राधाकृष्ण यूएनओ के सर्वोच्च पद पर रहे और यह वह में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने यूएनओ की सहायता की। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाडिया के नेतृत्व में भारतीय सेना यूएनओ के तत्वाधान में यूगोस्लाविया में भेजा गया। कहना अपना अधिकतर बार जब विश्व में चाहे वो यूगोस्लाविया हो चाहे यूएनओ यूएनओ के माध्यम से सहायता भारत ने शांति सेनाएं भेजी। डॉक्टर राधाकृष्णन भी यूएनओ के सर्वोच्च पद पर रहे। निश्चित तौर पर भारत ने रंगरेजी नीति का विरोध किया जिसके माध्यम से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाकर रंगरेजी नीति का पुरजोर कोशिश किया और उन्होंने काफी हद तक सफलता भी दिलाई। उसी प्रकार भारत में शांतिपूर्ण अभियान ने भारतीय सेनाओं ने भाग लिया। जलन समस्या जो वर्तमान में जलन समस्या है आतंकवाद की समस्या है उसका भी भारत चाहे गंगेरी बात हो चाहे मनमोहन जी हो चाहे वर्तमान में नरेंद्र जी मोदी हो तो निश्चित तौर पर आतंकवाद और उसमें जो समस्याएं हैं उन सब का और वर्तमान में जो कोरोना महामारी है उसने भी WHO के तत्वाधान के माध्यम से इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवाद की जो कार्य प्रणालियों को समाप्त करने के लिए भी उन्होंने काफी स्थानीय योगदान दिया। आज का समाप्त होती है। जय जय भारत।